My God, what the fuck? Family, देखो सबकी बकेट लिस्ट होती है, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी बकेट लिस्ट को पूरा किया जाए। हमारी बकेट लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो है फैमिली, आजकल मौसम है 32 लाख शादियों का, तो क्यों ना हम शादियों पे कुछ रिलेटेड करें। यू नो शादी काफी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब सबको करनी ही पड़ती है एनी हाउ, राइट और नॉट राइट। और देखो फैमिली, जहाँ तक आजकल जो सीन है, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हुई पड़ी है। पता नहीं ये कहाँ से आइडिया लेके आए हैं, बिकॉज ना मैंने कभी ये चीज की है। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं फैमिली। सो आज हम करने जा रहे हैं स्नीकिंग इन रैंडम पर्संस और रैंडम वेडिंग्स। यस, अभी लेकिन मुद्दा ये है कि हमें पता नहीं हमें जाना कहाँ है और ना हमें पता है कि शादी हो कहाँ रही है। मतलब कि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि यार कहाँ पर होगी, किधर ढूंढेंगे। सो फैमिली हमें कुछ नहीं पता है, आज हम भगवान के भरोसे उठ गए हैं। सो तैयार है करने के लिए स्नीकिंग इन रैंडम पर्संस मैरिज विद माय ब्रदर एंड सिस्टर। ये हमने हवा में तीर तो मार लिया, पहले ये बताओ कि भैया लिस्ट क्या है, क्या क्या चीजों की जरूरत है हमें। यार देखो, एक हमें सबसे ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट जिस चीज के वो है कपड़े। और यार डूड, मैं कहता हूँ वो कुर्ते पजामे ना पहन के जाए। I have two options guys, either we can wear कुर्ता पजामस, either we can wear suit। अब मुद्दा ये है कि किस टाइप की शादी में जा रहे हैं। यार किस टाइप की नहीं, हमें ये नहीं पता किस टाइप की शादी में। शादी तो एक ही होती है ब्रो। यार व्हाट इफ अगर कहते हम शादी में जाए, ठीक है, कोट पैंट पहन के, एंड वहाँ पे अंदर जाके देखो तमिल वालों की शादी हो रही हो, तो वो पहनते ना व्हाइट कुर्ता, वो फिर क्या करेंगे, तो वो मोहल्ली में शादी करेंगे तमिल वाले। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन आएंगे। जो पंजाबियों की शादी होती है ना, उसमें ना या तो कुर्ते पजामे पहने जाते हैं या कोट वोट। मेरे कपड़ों को क्या, खुद के कपड़े डिसाइड कर लिए। लड़कियों का क्या होता है, लहंगा ही होता है। नहीं यार मैं सोच रही हूँ मैं सूट पहनूंगी, झुमके मुमके पहनूंगी, ठंड बहुत ज्यादा। मैं इतनी ठंड है, मैं तो ये नहीं समझ रही कि बाहर कुछ दिखेगा भी, बंदा दूसरा हमें पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वो हमारे पास आएगा तब तक हम कल्टी मार देंगे, तब तक धुंध में गायब। हम शादी का जो पैलेस है वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हम उन लोग को कॉल कॉल करके पूछेंगे, आई डोंट थिंक सो वो ऐसे बताएंगे कि उधर शादी है या नहीं। नहीं तो हम बोल सकते कि आज बुक है, वो बोलेंगे क्यों मैं सर उससे मैं को बता बोलने के तेरा प्राइवेट शूट के लिए चाहिए आज के दिन। तू आज फोटो शूट के लिए चाहिए था। अब बोलेंगे नहीं नहीं सर आ जाओ, तो फिर हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, समझ रही है, समझ रही है। फिर वो हमें बार बार कॉल करते रहेंगे, ब्लॉक कर देंगे। चलो सीधा 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 बड़ा औखा काम है एक्चुअली। हमें ना चाहिए भी शादी का एरिया पास पास में, क्योंकि गाइस फॉग बहुत पड़ती है। और सामने पैलेस आ गया, सो गाइस पैलेस आ चुका है, यहाँ पे देखते हैं कितनी प्रिपरेशंस है शादी की, कुछ है भी है। अब मैंने खाली क्यों लग रहे, वहाँ कितना पैलेस है भाई, ये तो कोई टाइल्स वाली आ गई है। यार ये होम स्टोर है कोई, ये कोई टाइल्स की दुकान है भाई। है गाइस ये तो, ओ देखो पैलेस खाली है, या तो कोई शादी नहीं है यार, गाइस ये तो खाली पड़ा है। आप बता ब्रो अंदर हो रही हो वहाँ पे, ऐसे नहीं होती कभी भी शादी होती, तो बाहर हमेशा डेकोरेशन होती है। चलो काम करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे करते हैं इधर से गाड़ी घुमाओ। हाँ तो जो लास्ट उधर एक अलमारी का जहाँ पर नेहा कक्कड़ की शादी हुई उधर देखते हैं, उधर होगी। हाँ क्या पता आज वहाँ टोनी कक्कड़ की हो रही हो। यार ऐसे कैसे हो रही हो, फिर जाएंगे कक्का कल्ला तू, तो नाच भी सकते हैं रूडी हम लोग, फिर हम कह भी सकते हैं हम इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, हमें रख लो इधर। Oh guys, पेट्रोल पंप आया, सॉरी। आजकल जो शॉप्स है पेट्रोल पंप्स है, उन्होंने अपने आप को इतना सजाया हुआ है कि बंदा मतलब दूर से बता ही नहीं सकता कि वो पैलेस है या पेट्रोल पंप। हाँ अगर बंदे की नजर कमजोर हो तो। एक्सक्यूज मी, आज कल फंक्शन हो रहा है, आज नहीं है, आज ही है ना, आज ही है ना, ठीक है थैंक यू। Guys, ऐसे मुझे पार्किंग का पार्किंग। Guys, आप जैसे कि देख सकते हो तैयार होके लोग आ रहे हैं। नहीं जहाँ पर
एक बार क्रॉस चेक करने के लिए अंदर से घुमा ले यार, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। अभी सिर्फ तैयारी हो रही है, रात को ड्यूटी। देखो बस पता क्या है, एक तो फोग होगी, किसको पता भी नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं। रात को ब्रो स्लीकिन मारेंगे, मैं कह रहा हूं दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन है, एक और रखते हैं। अभी उन्होंने अगर हमारी शक्लें देख ली कहते नहीं गेट आउट, तो फंस जाएंगे बाद में। सुन मेरी बात, ऐसी महंगी शादियों पे ना वो भी लगते हैं कार्ड कूड भी। ओ नहीं, आजकल नहीं ऐसे होता यार, तुम मर्सिडीज से उतरोगे तुम ऐसे महंगे लगोगे यार। हमारी कौन सा माड़ी है गाइस, क्या आपने देखा कोई मर्सिडीज लेकर ऐसी हरकतें कर रहा है? हम करेंगे तो संजय को ये भी साइज छोटा पड़ गया बिकॉज़ उसने जिम छोड़ दिया है। ये शट अप, ओके, ये दिस व्हाट लाइक 42 साइज। और अभी संजय दूसरा साइज ट्राई करेगा, लेट्स सी उसके आता है या नहीं। या तो पतला चाहिए या तो मोटा, ब्लैक शर्ट ले लेते हैं। और ब्लैक और इसके बीच में वो इधर जो बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, लड़कियों के लिए ऐसा सब भी होता है। ब्लू अच्छा है, डन डन। भैया बता दो थोड़ा प्राइस है क्या? थोड़ा गाइस बार्गेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि बजट हमारा उतना ही है। अभी शादी उस शादी पे जा रहे हैं जिसमें किसी ने बुलाया नहीं है, तो लेट से अभी क्या ही होता है। तैयारी इतनी कर ली है, वहाँ पर इमेजिन एंट्री पे रोक ले हम। आई हैव दिस बैड फीलिंग, ओके, कि हम वहाँ पे एंटर करेंगे और हमें वहाँ से निकालने वाले दे विल आस्क अस कि पास गिव अस द पास द वेडिंग कार्ड जो होता है ना डूड, वी हैव नथिंग ब्रो। हमने वहाँ पे लिजिट आसमान में तुक्का मार के जा रहे हैं डूड। तो राजेश बोल देगा ना, राजेश शर्मा जी की फैमिली से आए हैं। शर्मा जी क्या कहते हैं, हमारे तो शर्मा पर है ही नहीं कोई यार, हमारे सब आटी है यार। देखो वीडियो डाल ली है, प्लीज देख लो। सो गाइस मेरे कपड़ों के लिए हम लोग आ गए हैं जीजू के घर। जीजू जीजू कैसे हो? हेलो फैमिली। देखो गाइस कपड़ों की कोई कलेक्शन कमी नहीं है, एक से एक आपको ब्रांड मिलेगा फैमिली। आपको साथ में पैंट, यार ये भी पैंट नीचे डाल सकते हो, पता है थोड़ी आजकल फैशन इन्फ्लुएंसर। नहीं नहीं नहीं, हां ताकि मैं पकड़ जाऊं साला। हां क्या कुछ पूछा है गाइस, इन्होंने कुछ पूछा है। तैयार हो गए, चल ले किथे हो तू? हम लोग कर रहे हैं रिक्रिएटिंग इंस्टाग्राम पिक्चर्स, तो 2023 एडिशन कर रहे हैं। जैसे मैं शाहरुख खान का पठान के लुक ले रहा हूं, तो उसमें एक उसकी लुक है ऐसी वाली, तो मैं ये लुक ले रहा हूं। नाइस यार, तुम तो वैसे ही शाहरुख खान जैसे ही दिखते हो। सो गाइस हम लोग तैयार हो रहे हैं बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा कम है एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड। आज हम लोग जाने वाले हैं और वो भी तो हमारी ये तो मेरे पैंटी नहीं आ रही दीक्षा, लुक एट दिस, व्हाट द हेल। अभी लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम हो गई है, डूडी के पैंट आ नहीं रही है, सो नाउ वी नीड टू डू समथिंग एल्स। भाई ऐसा लग रहा है मैं अपने जॉब के इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, पता ऐसा लग रहा है। अरे सर कैसे हो आप? सर आज आपका कौन दो प्लेट टिक्का पनीर टिक्का भी जो बड़ा टेबल टू ये मुझे आपको बोला जी आपने व्हाइट में दी थी। मैं तो कहां टेबल टिक्का का लोग, जहां से टाइटा कहां जाऊं मैं फटर दे। सो गाइस एक ब्लैक पैंट पड़ी थी मेरे पास, वो पहन ली है। मेकअप, या यू नो मेकअप इज ऑलवेज वेरी मच रिक्वायर्ड, as you know there will be very very blingy blingy lights and very very blingy blingy people, so this is very important. भाई पता नहीं, I'm so scared man, पर मुझे आने वाले, let's go। तो guys हमने फोन पे सारा शूट करना है क्योंकि अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते, we don't want to take risk। एक पहले टिप दूंगा कि कॉन्फिडेंस मत लूज करना, और कसम से बता रहा हूँ डरना मत यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी शक्ल पे दिख जाएगा। I'm very scared। भाई तो हमने शगन का लिफाफा ले लिया, शगन भी डाल दिया हमने शगन में, और हमने बीच में लिखा है कि सॉरी वी वर नॉट इन्वाइटेड but all the love to you #remorrow @YouTube, so sorry if you are watching this, agar
तो वी आर रियली सॉरी, हमारा एक आज का चैलेंज था जो करना था, अब उसी में आपकी ही शादी आई सामने, पर टेंशन मतलब ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से खोल गाइस, रेडी चलो चलो लेट्स गो गाइस, कॉन्फिडेंस लेट्स गो, फैमिली हम लोग एंटर कर गए, डर लग रहा था साला कि कोई हमें पकड़ के बाहर ना निकाल दे, फैमिली मुझे तो वैसे ही बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था कि यार कोई पकड़ यार ना ले। मुझे देखो यार, मैं तो पूरा डांस एकदम फुल वाइब कर रहा हूँ, सी मैं इसलिए डांस कर रहा हूँ कि लोगों को लगे कि हाँ हाँ ये तो अपना ही बंदा है कोई, आजा आजा पीछे आजा। सो गाइस हम ऐसे एंटर किए, पता नहीं चला कहा फंक्शन हो क्या रहा है। सो फैमिली जैसे हम लोग एंटर किए, एक तो डेकोरेशन इतनी जबरदस्त और हमें पता ही नहीं आज फंक्शन है क्या। फैमिली हम सोच रहे थे कि मतलब कि शादी है, रिसेप्शन है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है। भाई मेरी हालत खराब हुई पड़ी थी लेजेंड, मैं आई वाज यू नो जस्ट ट्राइंग टू प्ले एक्ट कूल, बट मेरी अंदर से पूरी हालत खराब हुई। मेरे से खाना पूछे, मैंने बोला खाना कैसे निकालूं, अंदर मेरा मुंह सूखा पड़ा था, मैंने फिर उससे पानी मांगा, भाई थोड़ा पानी दे दे, अंदर घबराहट सी हो रही थी कि मतलब क्या करे क्या नहीं, तो इस चक्कर में मैं तो नाचने लगी कि यार ऐसे लगे कि हम अपने ही हैं। हाँ, वो मैं भी नाचने लग गया फिर कोई मिलने नहीं आ रहा, किससे बात ही नहीं कर रहे, कोई हमें देख भी नहीं रहा। फैमिली फिर मेरे लिए ना खाने के लिए आया लोटस स्टेप, क्या टेस्टी, इसमें पुक डालनी होती है सच्ची में यार। नहीं है, देखो शगन दे के जा रहे हैं हम लोग, मतलब खाना जरूरी है। कैसे भाई शादी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही, बहुत ज्यादा मजा आ रही है मेरी शादी में, तो यू नो द वर्स्ट पार्ट इज लाइक आई एम नॉट वर्थ इट, लाइक एवरीवन सब लोग हमें पहचान रहे हो, मतलब लाइक वो बहुत एक संजय और हमारा वो दीक्षा जा रही है वहां पे, सो हम बाथरूम में आके बात कर सकते हैं क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते, दिस इज द ओनली प्लेस। सिर्फ कॉन्फिडेंस रख, सिर्फ कॉन्फिडेंस, ट्राई माय बेस्ट बिकॉज़ द थिंग इज यू नो व्हाट्स हैपनिंग, द पीपल हु आर यू नो वेयरिंग ऑल दोस थिंग एंड देन टॉकिंग द वो लुकिंग एट अ थिंग, मैं काउंटर तो मुझे चला लो पानी फटी पड़ी अंदर से, हम कई कई की जगह पे कैमरा नहीं दिखा पा रहे बिकॉज बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। चलो 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 चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। हाँ चल दीक्षा चल चले, हाउ यू फीलिंग? वेरी गुड। हाँ कुछ तो बोल, जवान निकल गया। क्यों? मैंने ना एक लड़की से आँखों से आँखें मिला ली, तो डर क्यों? मुझे डर लगी जा रहा है। I'm going out first, okay? Okay. हम तीनों नहीं जाएंगे, सब इसके सब पता है। कहाँ जा रहा है? कुछ खाना नहीं है। चल बाहर जाकर कॉफी भी पीनी है। चलो क्योंकि म्यूजिक की वजह से हम इसके ऊपर आपको बता रहे हैं कि कैसी कैसा माहौल, ये देखे ये भी सिक्योर यार, कॉफी पीनी है मुझे, एने इसकी भूख की वजह से पकड़े जाएंगे सच्ची में यार। देखो कॉफी इज नाइस, कॉफी इज नाइस, यस साला मेरे पैर कांप रहे हैं, देखो भाई इसको इसको यार मुझे नाचना था बिकॉज ये था कि लोगों को लगे नॉर्मल है यार, हम एकदम कहीं पे भी नाच रहा है, मैं क्या करता यार उधर, लोग मुझे देख रहे कि नचो नचो, तो मैं नाचने लग गया। कॉफी ज्यादा मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, ठंड में आराम से कॉफी पी रही हूँ, फ्री की कॉफी ना, हमें पता है कौन है कौन है, मुंह पे मार देना सीन मुंह पे हाथ मार रहा था बंदे के, हमने पकड़े जाना था, ये हाथ गर्म कर रहे गाइस क्योंकि इससे पहले छितर खा के माहौल गर्म हो जाए। और फैमिली जिस हिसाब से हमें लोग देख रहे हैं ना, वो मतलब अलग ही है, हम सूट ही नहीं कर रहे यहाँ पे, मतलब हम लोग कपड़ों से लेके, कपड़े तो चलो वैसे ही थे पर शक्लें होती ना, शक्लें भी नहीं सूट करी थी, हर एक बंदे ने हमने देख रहा, आप देखे हम हमारा कितनी हमारी नर्वसनेस, हम गर्म गर्म चीज के आगे हाथ रख के अपनी कम कर रहे हैं सच्ची में। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि शायद कोई फैन वैन मिल जाए ताकि कोई हमसे बात ही कर ले, और जाओ डांस करने जाओ डूडी, डांस करने जाओ, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, तेरा दिमाग खराब है कहा, मेरे मन में ये भी था कि शगन देना किसको है, शगन मेरी कोई बंदा नहीं मिल रहा, फैन मिल गया गाइस, बड़ा अच्छा फैन मिला था, इसमें बड़ी बातें पूछी मैं बोल रहा हूँ में यार। मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी तरह से, कहते लड़के में कहो कहता आप किसकी तरह से, मैं कहा और सबसे अभी ये लड़के ने हमें काफी उधर सहारा दे दिया, हम इसके साथ साथ घूम रहे हैं, फैमिली मेंबर ओपी हो सच्ची में, ये नाना होता हमारी बैंड लगनी थी यार। देखो आराम से
ऐसे डांस करो, ऐसे लगने चाहिए कि हम इधर के ही है भाई। ठीक है यार। सो गाइस फिर हमारा दिमाग चला, हमने बोला चलो हम दूल्हा दुल्हन के पास चलते हैं। माय गॉड, उनको मिले भाई। भाई यहाँ पे मैंने वो लड़की थी ना उसको बोल दिया हैप्पी एनिवर्सरी। ओ हो 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 भाई, जो मेरी हालत खराब हुई ना यहाँ पे, हमने कहा शिट आई एम गॉन नाउ। इनको हम सॉरी करना चाहते हैं दिल से, सो सॉरी। उसके बाद हमें समझ नहीं आया कि हमने शगन किसको लेना, शगन किसको। यस, फिर हमने जो हमारा फैन था उसको अपने वापस खींच लिया अपनी तरफ ही। और मेरे को भी चला शगन मेरे से नहीं होगा सच्चे, मैं कहा नहीं मैं जाना ही नहीं। सो गाइस फिर हमने शगन दे दिया एक चाचा जी को। मिशन इनकम्प्लीट, यही कहते हैं राइट। ओ भाई मिशन कम्प्लीट हो गया गाइस। ओ माय गॉड, देखो ये चीजें करनी अच्छी बात नहीं है। जस्ट दैट हमारे दीक्षा शर्मा ने ये हमारी बकेट लिस्ट में था। जो बच्चा हमें मिला था, फैन मिला था, हाँ जिनकी रिसेप्शन थी उनको दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने बहुत प्यार दिया हमें। सॉरी हम अब आपकी शादी, आपका ही कुछ फंक्शन चल रहा है। हम लोग जो वो एल्बम में फोटोज नहीं क्लिक करवाते होते, हम उसमें भी फोटो क्लिक करवाते आते हैं। यार कौन है यार, कौन है गाइस। मैं जब वॉक कर रहा था तो हमें याद, हमने कहा 24 hours 24 cars, उसमें हमारे कार्स भी हमें मिली थी। तो काफी उन्होंने भी, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड्स थे वो भी मुझे मिले। उन्होंने मेरे को बोला कि तू किसकी तरफ से, और मेरे को समझ ना क्या बोल, मैं लड़कों की तरफ, कहता लड़का बस के कहते वो ही इज माय साला। बट अगर ब्रो इफ यू आर वॉचिंग आई एम रियली सॉरी, दिस वाज आवर बकेट लिस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देना 200 के लिए, 200 200,000 लाइक्स देना, और फिर हम आगे आगे और सीरीज लेकर आएंगे स्नीकिंग की। हाँ एक्चुअली फॉर रियल। सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।